नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था ग्लोब के बारे में। ग्लोब में मैंने अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में, उसके बाद विषुवत रेखाओं के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया था, बताया था। और मैंने ये बताया था कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि एक डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो देखिए, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। जैसे एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं, 4 मिनट। तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि जो समय का निर्धारण होता है वो देशांतर रेखाओं पर होता है। वो रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने का काम करती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, उसी पर समय का निर्धारण किया जाता है। तापमान पर, धरती पर तापमान के अनुसार जो जोन बनाया गया है वो किसके आधार पर बनाया गया है? तो बनाया गया है अक्षांश रेखाओं के आधार पर। तो आइए देखते हैं कि दुनिया में देश के अलग अलग टाइम कैसे हो जाते हैं, अलग अलग देशों के टाइम अलग अलग क्यों होते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। अब ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा है? साउथ पोल है। ये इक्वेटर है, इसे विषुवत बोलते हैं, विषुवत रेखा। ऊपर से नीचे भी रेखाएं आती है, इसे बोलते हैं देशांतर रेखा, जिस पे समय का निर्धारण किया गया है। अब देखिए, अब एक मैंने बताया था कि ये 0 डिग्री देशांतर है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और इसी लाइन को मान करके पूरे विश्व का समय निर्धारित किया गया है। मतलब पूरे विश्व का समय कहां से लिया गया है? तो इंग्लैंड के लंदन में ग्रीनविच से लिया गया है, वहीं पर सेट किया गया है। तो मान लो कि ये यहां पर है और ये हमारी विषुवत रेखा है, यहां पर हमारा भारत है। अब देखिए, शुरुआत में मैंने बताया था कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। तो देखिए, यहां पर ये हमारा इंडिया है, मान लीजिए हमारा इंडिया है। तो इंडिया में अब यहां से जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से मैं शुरू करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके मैं शुरू करता हूं, तो 68 वाली जो देशांतर रेखा है, 68.7 वाली जो देशांतर रेखा है वो इंडिया में टच करने लगती है, और 97 वाली जो लाइन है, 97 वाली वो क्या होती है कि वो बाहर निकलने लगती है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि इंडिया से भी होकर के बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। अब देखिए, अब 68 वाली देशांतर रेखा टच करती है, 97 वाली बाहर निकलती है। तो एक बात मुझे बताइए कि भारत से होकर के कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है? तो 68 और 97 में कितने का अंतर है? तो 29 देशांतर। अब मुझे बताइए कि दो देशांतरों के बीच में 4 मिनट का है, मतलब एक डिग्री का अंतर अगर होगा, एक डिग्री, मैंने यहां क्या बताया कि एक डिग्री मतलब 4 मिनट, तो 360 डिग्री की गोला है पृथ्वी और 360 लाइन भी खींचा गया है, तो प्रत्येक लाइन एक डिग्री पे खींचा गया है। तो एक लाइन कहिए चाहे एक डिग्री कहिए, एक ही बात है। तो ये लाइन एक डिग्री हुआ, ये लाइन एक डिग्री, ये लाइन, मतलब कहने का है कि 29 लाइन गया है भारत से, यानी भारत से होकर के 29 डिग्री गुजरा है। तो एक डिग्री में 4 मिनट, तो 29 डिग्री में कितने मिनट? 116 मिनट। और 116 मिनट को लगभग कितना घंटा बोल सकते हैं हम लोग? लगभग 2 घंटा बोल सकते हैं। तो ये आपका है लगभग 2 घंटा, इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यहां से लेकर के यहां तक जो हमारी रेखा है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक, जैसे गुजरात से लेकर के आप अरुणाचल प्रदेश तक चले जाइए, इन
इन दोनों बिंदुओं में कितने घंटे का अंतर होता है? लगभग 2 घंटे का। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारत के पश्चिमी बिंदु और भारत के पूर्वी बिंदु में लगभग कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और देखिए। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये मान लो जर्मनी है, ये जर्मनी है यहाँ पर, और ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर। तो मैंने ये बताया था कि जो जो देश इंग्लैंड के पूर्वी देशांतर पर होंगे, पूरब में, उनका टाइम आगे होगा, और जो देश इंग्लैंड के पश्चिमी देशांतर पर होंगे उनका समय पीछे होगा। तो अब देखिए, ये मान लो कि ये मान लेते हैं जर्मनी नहीं, इसको मान लेते हैं अमेरिका, मान लेते हैं अमेरिका है, ये अमेरिका है। अब क्या है कि यहां से मान लो कि यहां पर 10 बज रहा है, इंग्लैंड में 10 बज रहा है, तो अब मुझे बताइए कि अमेरिका में कितना बजेगा? अगर अगर यहां पर 10 बज रहा है, कहां पर, इस एरिया में यहां पर 10 बज रहा है इंग्लैंड में, तो अमेरिका में कितना बजेगा? तो देखिए, अमेरिका को मैंने दिखाया है 2 देशांतर पीछे, मान के चलते हैं 2 देशांतर पीछे, एक ये और एक ये। तो एक 2 देशांतर मतलब 2 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितने मिनट, 1 डिग्री में कितने मिनट, 4 मिनट। तो 2 डिग्री मतलब 2 देशांतर में कितने मिनट, 8 मिनट। इसका मतलब साफ साफ है कि 8 मिनट इसका टाइम पीछे होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जो पश्चिम में पड़ेगा देश उसका टाइम पीछे होगा, तो ये 8 मिनट पीछे होगा। तो मतलब इंग्लैंड में 10 बज रहा है तो अमेरिका में कितना बजेगा? बात समझ गए? 8 मिनट कम कर दीजिए, 9:52 हो जाएगा। बात समझ गए? अब देखिए, अब वास्तविक में देखिए, वास्तव में इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड वास्तव में इंग्लैंड कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। इंग्लैंड 0 डिग्री पर है, और भारत जो है, भारत 82.5 डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पूरब में। देख लीजिए, यहां से पूरब में है। अब देखेंगे कि अगर मान लो इंग्लैंड में 10 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा, भारत में कितना बजेगा? अगर इंग्लैंड में 10 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा? तो देखिए, इन दोनों में अंतर कितने डिग्री का है, मतलब भारत भारत जो है पूरब में पड़ता है, तो इन दोनों में अंतर 82.5 डिग्री का है, 82.5 डिग्री का। तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री में कितना मिनट होगा? तो 82 चौके 328, और आधा डिग्री में 2 मिनट, 330 मिनट। मतलब कहने का है कि इन दोनों देशों में टाइम का अंतर हो जाएगा 330 मिनट, और ये 330 मिनट को हम अगर घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5.5 घंटा। अब मुझे बताइए कि इंग्लैंड और भारत के समय में 5.5 घंटा का अंतर है, तो कौन किसका टाइम आगे होगा, भारत का समय आगे होगा कि इंग्लैंड का समय आगे होगा भारत से? तो बिल्कुल यहां पर भारत का समय आगे होगा, क्योंकि भारत इंग्लैंड से पूरब में है। इंग्लैंड से ही किसी भी देश को देखा जाएगा कि इंग्लैंड से कोई भी देश कहाँ है, पूरब है या पश्चिम है, उत्तर दक्षिण नहीं, क्योंकि देखिए ये रेखाएं जो है इसको हम पूरब पश्चिम में ही पार करते हैं। तो 5.5 घंटा का अंतर है, तो 10 बज रहा है इंग्लैंड में, तो 5.5 घंटा जोड़ दीजिए इसमें, तो 10 और 5 जोड़ेंगे तो 11, 12, 1, 2, 3, मतलब 3.5 घंटा हो जाएगा, मतलब 3:30 बजेगा। तो 3:30 समय यहाँ पे हो जाएगा, इसे याद रखना है, 3:30 बज जाएगा। तो बात समझ गए? अब ऐसे ही किसी भी देश का समय निकाला जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखिए, इस पूरे पृथ्वी के ग्लोब को देशांतर को अगर गिनना शुरू करेंगे तो ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करेंगे, फिर उधर से घूम के आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आते आते फिर घूम के आएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 360। अगर यहाँ से घूमेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते आएंगे तो 180 हो जाएगा। अब देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो पृथ्वी को मैंने 2D में कर दिया, पृथ्वी जैसा आप देख रहे हैं अभी कि इस टाइप की है, इसको मैंने क्या किया कि इसको, अब हमें यह देखना है कि
दिन और रात जो होते हैं, मतलब कहने का है कि जो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का ही रात क्यों होता है? हो सकता था 24 घंटे का दिन हो जाए। तो देखिए यहां पर इस ग्लोब को मैंने क्या किया कि यहां से फाड़ दिया, और यहां से फाड़ने के बाद ये ग्लोब इस तरीके से बन गया। ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री पूर्वी है, ईस्ट में है, और ये 180 डिग्री पश्चिमी है, 180 डिग्री वेस्ट है और ये 180 डिग्री ईस्ट है। अब ये जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं वो इस तरीके से हैं। देखिए अब क्या करना है कि एक बात मुझे बताइए कि पृथ्वी कितने डिग्री की है? पृथ्वी एक गोला है, तो गोला कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। पृथ्वी एक गोला है तो पृथ्वी कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। इसी 360 डिग्री को मैंने दिखाया है कि देखिए ये 0 डिग्री है, ये कितना डिग्री है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से आप यहां अगर जाएंगे इस यहां तक तो कितना होगा? 180। फिर इधर आएंगे तो 180, कितना हो गया कुल? 360। मतलब अगर पृथ्वी गोलाकार नहीं होती, पृथ्वी फ्लैट होती ऐसे, तो यहां से यहां तक सीधे 360 होता, मतलब यहां से यहां तक 360 होती पृथ्वी। तो सूर्य की जो रोशनी थी, सूर्य की जो रोशनी अगर पड़ती ऐसे तो ये एक ही बार पूरे पृथ्वी पर पड़ जाती। ऐसा होता कि नहीं आप मुझे बताइए कि अगर पृथ्वी गोलाकार नहीं होती और इस तरीके से होती, 360 डिग्री को देख लीजिए आप, यहां से लेकर के वहां तक, मतलब कहने का है कि यहां से वहां तक सूर्य की जो रोशनी पड़ती वो सीधे के सीधे पड़ जाती पूरे पृथ्वी पर। लेकिन हुआ क्या है कि जैसे जैसे देखिए पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो अब मुझे बताइए कि पृथ्वी को 180 से 0 आने में कितना लगेगा? 12 घंटा लगेगा, क्योंकि 180 से 180 360, तो यहां से यहां आने में 24 घंटा लगता है, तो यहां से यहां आने में कितना घंटा लगेगा? 12 घंटा, और फिर यहां से यहां आने में 12 घंटा, मतलब 24 घंटा। यहां से यहां पृथ्वी को आने में 24 घंटा लगता है। तो यही तो बात हुआ है कि यहां 0 डिग्री के बाद ये वाला जो हिस्सा है वो मुड़ गया है, और मुड़ने के बाद ये दोनों 180 आकर के एक जगह पे मिल गए हैं। इस यही कारण है कि पृथ्वी का एक हिस्सा 12 घंटे तक दिखाई देता है और पृथ्वी का दूसरे हिस्से में अंधेरा होता है। फिर जब उधर पृथ्वी का उजाला होता है तो इधर क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। जैसे फिर से समझिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। देखिए यहां से यहां पहुंचने में पृथ्वी को कितना लगता है? 24 घंटे, मतलब ये 360 डिग्री है तो 360 डिग्री पहुंचने में 24 घंटे लगते हैं। तो 180 से 0 पहुंचने में कितना घंटा का समय लगेगा? तो ये 12 घंटे का, और 12 घंटे के बाद ही पृथ्वी, मतलब कहने का है कि ये गोलाकार, इस हिस्से में अगर लाइट है, इस हिस्से में लाइट है, तो आपको क्या लगता है कि उस हिस्से में भी लाइट होगा? नहीं, अगर ऐसी होती पृथ्वी तभी लाइट हो सकता था चारों तरफ पृथ्वी का, तो इसके बाद ही ये मुड़ गई है, जिसके चलते अगले हिस्से में अंधेरा होता है, तो 12 घंटे की रात हो जाती है और 12 घंटे की दिन हो जाती है। बात समझ गए? आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ये जो 180 और ये 180 जो आप देख रहे हैं, 180 और ये 180 जो आप देख रहे हैं, ये जैसे ही एक जगह पे आकर के मिल जाता है, जैसे इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने से पकड़ के ऐसे एक ही जगह पे ला दिया, तो इस तरीके का बन गया, इस तरीके का। अगर इसको मैं फाड़ता हूं तो ऐसा बन जाएगा, और इसको मैं अगर ऐसे जोड़ करके एक जगह पे ला देता हूं तो इस तरीके का बन जाएगा। अब देखिए ये जो लाइन है ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री, लेकिन इसके पीछे वाली जो लाइन है वो तो 180 होगी ना, तो वही 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी, ये दोनों जहां पर आकर के मिल जाती है उस लाइन को कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर जाएंगे तो सीधे 24 घंटे का अंतर हो जाएगा। जैसे जैसे देखिए
अगर इस लाइन दोनों लाइन को एक जगह पे लेके चला जाऊंगा मैं, तो यहां से यहां आने में जो दिक्कत हो रही है, मतलब यहां से यहां 24 घंटे आने में समय लग रहा है 24 घंटा, अगर यही लाइन एक दूसरे पे आ जाए, एक दूसरे पे हो जाए, तो उसको पार करेंगे तो सीधे 24 घंटे का अंतर हो जाएगा, मतलब सीधे एक दिन का अंतर हो जाएगा, क्योंकि आपको आना था यहां से यहां, लेकिन आपको लाइन सीधे दोनों एक ही पर मिल गया, तो आप जैसे ही पार करेंगे 24 घंटे का अंतर हो जाएगा। थोड़ी बहुत कम समझ में आएगी अभी, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ जाएंगे आप। अब देखिए, अब क्या होता है कि अब मैं इस मैप को मैं उलट देता हूं, मतलब कहने का है कि उल्टा कर देता हूं, तो ये जीरो टाइम लाइन जो है वो पीछे चला गया, और 180 डिग्री जो अभी मैं लाइन बना रहा था ये दोनों एक ही पर, वो मान लो कि इधर आ गया, इस हिस्से में आ गया। तो देखिए, अगर कोई जहाज पूरब की ओर जा रहा है, अगर कोई जहाज पूरब की ओर जा रहा है तो उसमें एक दिन घटा दिया जाता है, इसे याद रखिएगा। और अगर कोई जहाज पश्चिम की ओर जा रहा है तो उसे एक दिन जोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और ये हमेशा आगे रहता है, जिसके चलते इसमें से एक दिन घटा लिया जाता है। अगर कभी पूछा जाएगा कि कोई भी जहाज अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पूरब की ओर जाती है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा एक दिन जोड़ दिया जाता है, एक दिन घटा दिया जाता है। तो कोई भी जहाज अगर इसको पार करके, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पूरब की ओर जा रही है, तो उसमें से क्या किया जाएगा, एक दिन घटा लिया जाएगा, और अगर पश्चिम की ओर जा रही है तो एक दिन क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्लोब में आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये जो आप ग्लोब देख रहे हैं, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं। देखिए, यहां पर एक रेड कलर की जो लाइन दिख रही है, देखिए यहां पर ये जो एशिया है और ये अमेरिका है, अलास्का का क्षेत्र, यहां इसके बीचों बीच इस लाइन को गुजारा गया है, मतलब कहने का है कि ऐसे क्षेत्र से गुजारा गया है जहां पर, मतलब इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को उस हिस्से से गुजारा गया है जहां पर लैंड नहीं है, उसको लैंड से दूर लेकर के गया गया है, ताकि व्यापार करने में, ट्रेड करने में सुविधा, मतलब असुविधा ना हो। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह 180 डिग्री पूर्वी प्लस 180 डिग्री पश्चिमी को माना गया है, इसे 180 डिग्री यामयोत्तर भी कहा जाता है। तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री पूर्वी या 180 डिग्री पश्चिमी को, या 180 डिग्री यामयोत्तर बोला जाता है, उसे ही माना गया है, इसे याद रखना है। अब देखिए, अगर आप इस लाइन को पार करते हैं तो कितने घंटे का अंतर होता है, तो आइडियल को पार करने पर, उसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को ही आइडियल बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करने पर, को पार करने पर 24 घंटे का अंतर होता है, अंतर होता है, इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइडियल को पार करने पर 24 घंटे का सीधे अंतर हो जाता है। अगर आप पूरब की ओर जा रहे हैं तो आप पहले से ही आगे हैं, तो इसीलिए उसको मैनेज करने के लिए आपका 24 घंटा घटा लिया जाता है। और पश्चिम की ओर अगर आप जा रहे हैं तो आप पहले से पीछे हैं, इसीलिए आपका जो 24 घंटा होता है वो क्या कर लिया जाता है, तो वो पीछे कर लिया जाता है, मतलब घटा दिया जाता है, जिसके चलते आपको लगे नहीं कि, मतलब दिन में कोई अंतर हो रहा है। अब देखिए, अब आइडियल का जो निर्धारण हुआ है इंटरनेशनल डेडलाइन का, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था, यह डेट VVI है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है।
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को निर्धारित किया गया कब? 1884 में अमेरिका में किया गया था, मतलब अमेरिका में इसकी बैठक हुई थी उसी समय से निर्धारित किया गया। अब देखिए, अब क्या है कि ये किसी भी देश से होकर नहीं गुजारी गई है। आप देख सकते हैं यहां पर कि ये किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती है या भूमि से होकर नहीं गुजरती है, इसे समुद्र से होकर गुजारा गया है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल डेट लाइन। आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये रेड कलर की जो लाइन है ना, आप देख लीजिए यहां पर, ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये रेड कलर की लाइन टेढ़ा भी बनाया गया है क्योंकि इसे समुद्र से होकर ही गुजारा गया है। देखिए यहां से ये जो लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन, तो ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर एक बहुत बड़ा महासागर है, तो ये गुजरती है किस किस से, गुजरती है कहां कहां से होकर गुजरती है, तो इसे ध्यान में रखना है। देखिए कहां कहां से गुजरती है, तो ये गुजरती है आर्कटिक सागर, चुकी सागर, उसके बाद बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे कृपया करके याद ही रखेंगे। ये चारों को आप रट जाएंगे आंख बंद करके, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जिसे 1884 में निर्धारित किया गया, वो किन किन सागरों से होकर गुजरती है। आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर अभी तक सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा गया है, प्रशांत महासागर। बात समझ गए? तो ये प्रशांत महासागर से, मतलब ये बहुत बड़ा महासागर है ना, इसलिए पूछ दिया जाता है एग्जाम में, लेकिन इनमें से कोई भी आ सकता है, इसे याद रखना है। ये जो बेरिंग सागर है ना, बेरिंग सागर में एक बेरिंग जल संधि है, जो रूस के हिस्से और अलास्का के हिस्से को क्या करता है, अलग करता है। तो रूस और अलास्का जो अमेरिका का हिस्सा है, फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं फिर आगे बता दूंगा। देखिए यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये अलास्का का हिस्सा है, ये अलास्का है और ये रशिया का हिस्सा है। इसके बीच में मैं एक चीन बना दे रहा हूं यहां पर। ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये कौन सी जल संधि है? ये है बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि के पैरेलल में ही होकर गुजरती है ये, इसलिए कभी कभी पूछा जाता है। तो अब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बेरिंग जल संधि है, आइडियल है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, वो किसके पैरेलल में है? तो आंसर होगा कौन सा? बेरिंग जल संधि। तो नोट में इसे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, VVI है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि के समानांतर होकर गुजरती है। तो इसे ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि के समानांतर होकर गुजरती है। अब देखिए, अब क्या है ना कि किसी देश का विस्तार बहुत ज्यादा होने के कारण उस देश में एक से ज्यादा टाइम जोन का निर्धारण किया गया है। भारत में भी दूसरा टाइम जोन का मांग किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, मतलब दूसरा टाइम जोन जो है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा मांग किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है, तो यहां से मान लो कि यहां पर हमारा जो 82.5 डिग्री है, भारत का जो समय है, भारत का जो टाइम है, वो 82.5 डिग्री पर निर्धारित किया गया है। जैसे पूरे विश्व का समय
पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, जैसे पूरे विश्व का समय 0 डिग्री देशांतर पर निर्धारित किया गया है इंग्लैंड के ग्रीनविच में, वैसे ही भारत का भी अपना आईएसटी है, आईएसटी इसे बोलते हैं इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड 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 टाइम, हिंदी में बोलते हैं भारतीय मानक, भारतीय मानक समय, इसे बोलते हैं भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद के नज़दीक में मिर्ज़ापुर, वहाँ से होकर गुजरती है, तो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है तो मिर्ज़ापुर में ही इसे स्थापित कर लिया गया है। और ये 82.5 डिग्री लाइन है, ये देख रहे हैं 82.5 डिग्री ये लाइन, तो 82.5 डिग्री लाइन को ही मान लिया गया है कि भारत का मानक समय है, तो इसे याद रखिएगा ये भारत का मानक समय है। और भारत के इसके भी पश्चिम में जो राज्य होंगे उनका टाइम पीछे होगा, जो पूरब में होंगे उनका टाइम क्या होगा आगे होगा, लेकिन ऐसा किया नहीं गया है, बहुत सारा ऐसा सिस्टम लगा दिया गया है जिसके चलते आपको पता नहीं चल पाएगा कि समय अलग भी होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सूरज अगर 5 बजे निकलता है तो गुजरात में सूरज 7 बजे निकलता है, लेकिन समय में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ सूरज के किरणों में अंतर होगा, मतलब कि धूप आपको दिखेगी लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा समय के हिसाब से कि समय में कोई अंतर हुआ। अब देखिए 82.5 डिग्री जो लाइन है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले यहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों का नाम याद रखिएगा, संख्या भी पूछ सकता है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें है आपका यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तो इसे ध्यान में रखना है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर के 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि भारतीय मानक समय माना गया है वो गुजरती है, तो ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में, इसे याद रखना है। अच्छा एक है कर्क रेखा, कर्क रेखा हमारे देश से गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा हमारे देश से गुजरती है बीचों बीच, और ये 82.5 डिग्री है। अगर पूछ देगा कि कौन से राज्य में दोनों आकर के मिलती है, कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये दोनों रेखाएं आपस में कहां कौन से राज्य में मिलती है, तो आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़, बात समझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जाकर के मिलती है। तो कहीं इसे नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं कि भारतीय मानक समय रेखा तथा 23.5 डिग्री कर्क रेखा एक दूसरे से आकर छत्तीसगढ़ में मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए किसी किसी देश का विस्तार बहुत ज्यादा होने के चलते एक से अधिक टाइम जोन की व्यवस्था की गई है, जैसे इंडिया में एक ही टाइम जोन है, लेकिन अब देखिए फ्रांस में मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोब है इस तरीके से, अब मान लो कि कोई कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है इस तरीके की, यहां से लेकर के यहां तक मान लो कोई कंट्री है, ये बहुत बड़ी कंट्री नहीं है लेकिन इससे अब बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजर जाएंगी, देशांतर रेखाएं, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होने लगेगा समय का, मतलब जो निर्धारण होगा, मतलब टाइम जो होगा, एक ही देश में एक तरफ अंधेरा हो जाएगा तो एक तरफ उजाला हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपना टाइम जोन अलग अलग कर लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए फ्रांस, तो फ्रांस जो है फ्रांस उसमें 12 टाइम जोन है, जो रसिया है रसिया में 11 टाइम जोन है, तो इन दोनों को याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रांस में 12 टाइम जोन है और रसिया में कितने टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है।
इन्हें याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, पूरे दुनिया को कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है, पूरी दुनिया को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, तो कुल 24 समय, मतलब कहने का है कि किसी भी देश का टाइम जोन 24 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 24 समय क्षेत्र में, समय क्षेत्र में पूरे पृथ्वी को बांटा गया है, इसे याद रखना है, महत्वपूर्ण है। कुल 24 क्षेत्र में, 24 समय क्षेत्र में पूरे पृथ्वी को क्या किया गया है, बांटा गया है। बात समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक होता है कि ये मान लेते हैं कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये यहां पर सूर्य है, यहां पर सूर्य है, पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी के बीच औसतन जो दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है 14.96 लाख करोड़, सॉरी करोड़ किलोमीटर। यानी कि आप सीधे सीधे बोल सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। ये सन के सेंटर से, पृथ्वी के सेंटर से इसके बीच की दूरी है, इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब क्या है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी एकदम गोलाकार स्थिति में नहीं है, परवलयकार घूमती है, मतलब कहीं दूरी ज्यादा हो जाती है तो कहीं कम हो जाती है। तो मान लो कि पृथ्वी यहां पर है और इस पृथ्वी की जो दूरी है ये यहां पर कम हो जाएगी और यहां पर ज्यादा हो जाएगी। तो आपको कम ज्यादा की दूरी याद नहीं रखना है, बस औसतन दूरी याद रखिए, यही पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए, सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है, सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है ये अधिकतम कब होती है, मतलब ज्यादा कब होती है, तो 4 जुलाई को, कब होगी, 4 जुलाई, 4 जुलाई को होती है। और ये न्यूनतम कब होती है, तो 3 जनवरी को, न्यूनतम कब होगी, तो 3 जनवरी को, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 जनवरी वाले घटना को बोला जाता है उपसौर, उपसौर, इसे पेरिहेलियन कहा जाता है और ये है अपसौर, एपिहेलियन के नाम से जाना जाता है अपसौर। तो इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों पूछा जाता है, याद रखिएगा। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसतन दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो अधिकतम दूरी जिस दिन होता है वो होता है 4 जुलाई के दिन, और सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जो होता है वो होता है 3 जनवरी के दिन, तो इसे याद रखेंगे। और पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, तो इसमें मौसम का प्रभाव हो जाता है, जिसके चलते गर्मी के दिनों में, मतलब कहने का है कि दूरी होने के बाद भी हमें, मतलब गर्मी का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, और यहाँ पर 3 जनवरी के दिन जाड़े का मौसम होता है, जो कि यहाँ पर गर्मी होना चाहिए था, तो ये 23.5 डिग्री झुके होने के चलते होता है, जिससे मौसम में परिवर्तन हो जाता है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि दिन रात बड़ा छोटा कैसे होता है। देखिए, ये कितना डिग्री है, 0 डिग्री, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा, मतलब इक्वेटर, ये इक्वेटर है। ये कौन सी रेखा है, ये है मकर रेखा। मकर रेखा कितने डिग्री पर होती है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण में है, ये दक्षिण है ना, ये उत्तर है,
और ये है हमारी कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर में होती है। 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए, यहां से मान लो कि सूर्य की किरणें निकलती है। सूर्य की जो लंबवत किरणें होती है, सूर्य की जो लंबवत किरणें होती है वो कहाँ पड़ती है? विषुवत रेखा पर। तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? ध्रुवों पर पड़ती है, पोल पर। जो सूर्य की जो लंबवत किरणें होती है स्ट्रेट रे, वो कहाँ पड़ती है? वो पड़ती है विषुवत रेखा पर। अब विषुवत रेखा पर पड़ती है तो पृथ्वी इसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन कभी दूर हो जाती है तो कभी नज़दीक हो जाती है, जिसके चलते सूर्य की जो रोशनी है वो ऊपर नीचे होती है। मतलब देखिए, सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो ज़्यादातर, मतलब सालों भर यहाँ गिरती है, और यहाँ पर ये विषुवत रेखा पर दो दिन, मतलब कहने का एक वर्ष में, दो दिन, दिन एवं रात बराबर होते हैं। दो दिन दिन और रात बराबर होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? वर्ष में दो दिन दिन और रात बराबर होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विषु। विषु को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि वर्ष में कौन से वो दो दिन है भाई, जब सूर्य और, मतलब कहने का है कि जो पृथ्वी के विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये जो तारीख है ये है 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब क्या होता है कि सूर्य की जो रोशनी है ये धीरे 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 धीरे, मतलब कहने का है कि अब यहाँ तक पहुँच जाती है, मतलब आखिरी तक, यहाँ तक पहुँचती है कर्क रेखा तक, मतलब लंबवत ये कर्क रेखा तक पहुँचती है, कर्क रेखा तक पहुँचेगी, उस बाद फिर डाउन होना शुरू हो जाती है, फिर अप होना, मतलब डाउन होने के बाद फिर यहाँ पहुँचती है, यहाँ तक, फिर अप होना शुरू होती है, फिर यहाँ तक पहुँचती है, फिर डाउन होना शुरू होती है, तो यहाँ तक आती है, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब इन सारे क्षेत्रों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर ठंडा, यहाँ पर ठंडा। अब देखिए, अब सूर्य की किरणें जब यहाँ उत्तर की ओर बढ़ती है तो अधिक से अधिक लंबवत किरणें यहाँ कर्क रेखा तक जा सकती है। कर्क रेखा तक जाती है तो इसे कहा जाता है कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति का जो समय होता है 21 जून का समय होता है, और 21 जून को पीक पॉइंट पर होता है सन, उसके बाद फिर डाउन होने लगता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन तो ये कौन सा है? 21 जून है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है 21 जून। और उसके बाद जब ये यहाँ से रिटर्न होती है, इसकी लाइटें रिटर्न होती है सन, तो फिर धीरे यहाँ पर आती है। यहाँ पे आने के बाद दिन रात एक दिन बराबर हो गया, फिर यहाँ पर धीरे 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 यहाँ से नीचे बढ़ती है। तो अधिक से अधिक दक्षिणी गोलार्ध में ये 22 दिसंबर के दिन पीक पॉइंट पर होता है। तो ये 22 दिसंबर का डेट याद रखिएगा, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर पीक पॉइंट पर होने के बाद ये फिर यहाँ से रिटर्न होना शुरू कर देता है। तो जब सूर्य इधर होता है तो इधर ठंडी पड़ती है, इंडिया यहीं पड़ता है ना। तो देखिए, दिसंबर के महीने में यहाँ सन होता है, सन की लाइटें होती है, तो इस एरिया में क्या होता है? ठंडी पड़ती है। तो अगर पूछा जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में, सबसे बड़ा दिन, तो यह है 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून। इन दोनों बातों को समझ गए?
अब देखिए यहां से जैसे ही रिटर्न होना शुरू होगा, मतलब 22 दिसंबर को गर्मी के दिनों में, तो यहां से जैसे ही रिटर्न होना शुरू होगा तो अब इधर धीरे धीरे गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी, धीरे 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 यहां पर आएगा, यहां पर आने के बाद फिर 21 जून तक यहां रहेगा, फिर यहां 22 दिसंबर, फिर यहां 21 जून, इस तरीके से होता है। तो इसे ध्यान में रखना है। अगर कभी उल्टा पूछ दिया, उल्टा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब है, 22 दिसंबर को, तो सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा 21 जून, और 21 जून में सबसे, मतलब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा, तो सबसे बड़ा है 21 जून, तो सबसे छोटा हो जाएगा 22 दिसंबर। बात समझ गए? तो इसके आगे हम लोग, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारतीय मानसून, मतलब इंडियन मानसून के बारे में पढ़ेंगे। आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि समय का निर्धारण कैसे होता है, एक डिग्री में चार मिनट के बारे में याद रखिएगा, उसी पर टाइम निकाला जाता है। भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में लगभग दो घंटे का अंतर है, मैंने बताया था, इसे ध्यान में रखना है। भारतीय जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, वो मिर्जापुर से होकर, मतलब मिर्जापुर में स्थापित किया गया उसे, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। पूरे विश्व का समय जीरो डिग्री देशांतर, मतलब ग्रीनविच में स्थापित किया गया है, इंग्लैंड के लंदन में, और अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन जो है, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, वो प्रशांत महासागर, आर्कटिक सागर, चुक्की सागर और बेरिंग सागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग सागर के समानांतर में है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, और बाकी की ये जो मैंने बातें बताई है इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, कहीं दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।